अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? अच्छा जी, यहाँ पे हम रैम बनाएंगे, जो इस साइड का फ्रंट पर जो टॉप टाइल लगती है वो लगानी है इंशाल्लाह यहाँ पे आज। तो इसके लिए पहले मसाला बनेगा, तो अभी टॉप टाइल आएगी इंशाल्लाह। अभी पहले मसाला बना के, मसाला बनेगा कम से कम तकरीबन कोई 1.5 से 2 रेडी तकरीबन मसाले लगेगा इसमें। पहले मसाला बनाएंगे, फिर उसके बाद प्लास्टर करके। मसाला तैयार हो गया हमारा। ये जो मसाला है, ये प्लास्टर का जो मसाला होता है, जो थोड़ा सा खुश्क और थोड़ा सा नरम होता है, उस टाइप का मसाला इसमें यूज़ होता है। ज़्यादातर मसाला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, ज़्यादा खुश्क स्टंद नहीं रहती इसकी। पैन पर मैंने पानी डाल दिया, इसको झाड़ू करके पानी डाला है ताकि मसाले की ग्रिफ लगे इसके ऊपर। ये माशाल्लाह 3 रद्दे लगे हमारे, चौथा रद्दे पे भी डोगा लग रहा है इसके। सीमेंट वाला पानी है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जगह खराब है। जिधर सीधी टाइल आए वो हम लगा नहीं सकते, और टेढ़ी आ जाए तो वो सीधी लगा के भी टेढ़ी हो गई। हाँ, मतलब वही हाल बन जाना है इसने। सीधी लगा तो के भी टेढ़ी कर बदकिस्मती दी है। हमारी यहाँ ये कि ये जो टफ टाइल है, इसके किनारे उठे हुए हैं, सेंटर सारे खुबे हुए सारों के। ये टाइलें तेरी ऊंची हैं भाई। या अल्लाह खैर, बगैर गिल्ली किए लगा रहे हो तुम लोग यार। इसमें इसमें तेरा दिल नहीं है कि बस वो गीली करके लगाए। गीली है वे भाई, गीली है तेरे। फिर ये तार थोड़ी देर ऊपर वाली अपनी साइड। पता है ये तेरा है? नहीं, थोड़ी सी देर करिए, ज्यादा इधर नहीं है। इसको इधर कर दो। ये वाली नीचे से थोड़ी देर कर, ये वाली हाँ, थोड़ी सी ज्यादा नहीं करनी। बस अब इसको भी कर दो। इसके पर ये मुझे कसल नहीं, तो भैया जी कसल ने पूरी गा लेके आए हैं। बड़ी बड़ी टाइम मोटी होती है वो, दूसरे बट्टे से नहीं होते, दूसरे पर मोटी होती है ना भाई। वो उसका अपना मजा आना, वो बट्टे तो वो ऊंचा हो जाना था, बड़ा मजा आना। चल बस कर जा। عجيبه ده ورته ولا رئيس عجيبه خمسه زكا رئيس ده شيء ما صح انا اوكي كم قولين دي ودي لا كسر بيها روشك يا ده راپټي والا سيټ کي نو ये टफ टाइल यहाँ तक लगी है, इधर इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो टैंकर या हैवी जो गाड़ियाँ होती हैं, अगर वो यहाँ पे चढ़ा तो टफ टाइल है वो सारी टूट जाएगी। इन साइडों पे कंक्रीट की है, इसी वजह से कि जो भारी गाड़ी होती है ना, इसकी वजह से टफ टाइल लगी है जी हमारी। ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट में हमने लेयरें बनाई हैं ताकि स्लिप ना हो पाऊँ। ये देख ले जी, ये सुर्ख फिलिंग हमने लगा दी ऊपर से।